अखियों माँ खटी मिठी बातों माँ हाई कन तेरू यो जादू करो मायम तेरी उलझ गयूं मायम तेरी उलझ गयूं नखरियल सन्यो माँ रंगली उठड़ियो माँ हाई कन तेरू मेरू मन भर स्वाणी मुकुड़ी क्या हेरी जो तेरी जो कुड़ी माँ मेरी मोलार सोरी गे ओ मोलार सोरी गे हाथों की हद्वली थामी जो तुन तगातो माँ प्रीत को रंग चोड़ी गे ओ कन रंग चोड़ी संसार तू मेरी मायदार तू मेरा प्राणो मचाई छई धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू ऋषिका एंजल चैनल उत्तराखंड, और मैं हूं शीतल। और आप सभी का फिर से मेरे चैनल में बहुत ही बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं इंडियन वेडिंग गेस्ट ग्लोई मेकअप लुक है। ग्लोई ग्लोई मेकअप किया है मैंने, और सिंपल सा आसान सा है। आई होप कि आपको ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा होगा एंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ गाइज ज़रूर लाइक कर देना। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब एकदम फ्री है। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप गलती से भी मेरे वीडियो में आ गए हो और पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। गाइज प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो सबसे पहले मैं एल्प्स गुडनेस के ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रही हूँ, मैं जो कि मैंने बताई बहुत ही अच्छा टोनर है, पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का मॉइस्चराइज़र। अच्छा है, कम बजट में है और अच्छा मॉइस्चराइज़र है, और अच्छे से अपने फेस को मैंने मॉइस्चराइज कर लेना है। तो पहले यही है कि हमने जब भी मेकअप करना है तो अच्छे से अपने फेस को आप मॉइस्चराइज कर लिया करें। लिप बाम मैंने यूज़ किया NB का। अब प्राइमर भी यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का, बहुत ही अच्छा प्राइमर है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही अच्छा भी है। फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ NB का, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, लाइट है बट बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। फाउंडेशन का यही है कि आप अगर अपनी स्किन टोन के हिसाब से लोगे तो फाउंडेशन तभी अच्छा होता है, फेस में हमारे सही मिलना चाहिए हमारे फेस से। देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ मालियों का, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, और इसको ही मैं लगा रही हूँ अपने फेस में। लगाया मैंने क्योंकि लाइट है ना वो फाउंडेशन, तो इसलिए मैंने इस कंसीलर को फेस में लगाया अपने पूरे, और अच्छे से ईजिली ब्लेंड हो जाता है। इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैंने जो कंसीलर लगाया था उसे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया है। अब मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ मार्स का, और उससे मैंने पिंक कलर लिया ट्रांजिशन कलर के लिए, और अपने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैंने लाइट ऑरेंजी कलर लिया और उसे अच्छे से अपने क्रीज पे ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा आई मेकअप होगा ये। देन मैंने स्काई ब्लू कलर लिया और इस तरह से लगा लूँगी मैं, बहुत ही प्यारा लगेगा ऐसा आई मेकअप। जिसको ज़्यादा डार्क आई मेकअप पसंद नहीं आते तो उनके लिए सही है। और मैंने फिर ब्राउन कलर लिया और अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी मैं। देन मैंने उसी आई शेडो पैलेट से ब्राउन कलर लिया और अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी मैं। आईलाइनर में लगा रही हूँ SQ का गाइस, जो कि मैंने बताया बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छे से लग जाता है। अब मैं अच्छे से अपने अपर वाटर लाइन पर मस्कारा लगा लिया है।
काजल में लगा रही हूँ बेला वॉश्ड का ही। अब मैंने अपने आईब्रो को फिल कर लिया है, कॉम्पैक्ट पाउडर भी मैं यूज़ कर रही हूँ बेला वॉश्ड का, और मैंने अच्छे से अपने फाउंडेशन को सेट कर लिया है। कॉन्टोरिंग करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं NB की फाउंडेशन कंसीलर होता है जो, उससे अच्छे से अपने चीक्स पे कॉन्टोरिंग कर ली है, नोज़ की भी कॉन्टोरिंग कर ली है। ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का, हाइलाइटर में यूज़ कर रही हूँ Glam 2-1 का, अपने अच्छे से चीक्स पे हाईलाइट कर लिया, नोज़ पे, फोरहेड पे, क्यूपिड बो पे, ब्राउ बोन पे भी हाईलाइट कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा इनर कॉर्नर पे भी हाईलाइट कर लूँगी। लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ मैट लुक की, और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसके परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मेरा मेकअप कम्प्लीट हो चुका है, तो गाइज ये हुआ है फाइनल। चिट्ठी देणू तुरे दी बणू माँ के मे जानू रोड़ रे दिन रात सुन भादोसी बरसात रोण रोण रे दिन रात सुन भादोसी बरसात बदनामी। आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।